नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के कारण बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व काफी चिंतित है, क्योंकि अगर यही माहौल रहा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में काफी सियासी नुकसान हो सकता है। यूपी के पश्चिम क्षेत्र में इस आंदोलन का काफी असर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व हर वो कोशिश कर रहा है जिससे किसान आंदोलन की धार को कमजोर किया जा सके। जी हां, देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने एक तोड़ निकाला है। बीजेपी और राज्य सरकार के स्तर पर अब फीडबैक लेने के साथ साथ कई स्तर पर सर्वे कराए जा रहे हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि यूपी में किसानों की समस्या दूसरी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर बेल्ट में गन्ना किसानों की बड़ी संख्या है। इन गन्ना किसानों में भी एक जाति विशेष का वर्चस्व है, इसलिए अगर सटीक रणनीति अपनाकर इन गन्ना किसानों को साध लिया जाए तो योगी सरकार काफी हद तक अपना सियासी नुकसान कम कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3-4 सालों से गन्ने पर सरकार ने रेट नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण खासी नाराजगी का असर देखा जा सकता है। इसके अलावा बिजली के महंगे रेट और आवारा पशुओं की समस्या भी क्षेत्र में काफी विकराल है। बीजेपी नेता के मुताबिक अगर सरकार इन तीन प्रमुख समस्याओं का समाधान कर दे तो किसानों और समाज विशेष की बीजेपी सरकार से दूरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा जा सकता है। यूपी के गन्ना किसानों की मांग है कि पंजाब के बराबर उनको भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। अभी यूपी में 325 रुपए प्रति कुंतल का रेट है, जबकि पंजाब में 360 रुपए और हरियाणा में 362 रुपए का रेट है। ऐसे में योगी सरकार के लिए इतना रेट बढ़ाना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इससे राज्य सरकार पर काफी बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन रणनीति के तहत बीजेपी किसान मोर्चा लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में किसान मोर्चा 18 सितंबर को एक बड़ा किसान सम्मेलन लखनऊ में आयोजित करेगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में करीब 20,000 किसान शामिल रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इसी किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही बाकी समस्याओं के समाधान पर भी सीएम किसानों को बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर बीजेपी की ये योजना सफल हो जाती है और किसान संतुष्ट हो जाते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों का पासा उलट सकता है। जी हाँ, तो अब किसान आंदोलन के चलते नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी ने योजना तैयार कर ली है। इस योजना के तहत बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर अभियान चलाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव तक पहुंचकर किसानों को तीन कृषि कानूनों और सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि कानून के फायदे बताएंगे। अब योजना सफल होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक 2022 के चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर प्लान बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।